दोस्तों, सुबह उठा हूँ मैं। अभी सुबह के 2:30 बजे हैं और हम एयरपोर्ट की तरफ निकल चुके हैं। उबर बुक करी थी और वो 5 मिनट में पहुँच गई। चाय पीने तक का भी टाइम नहीं मिला। और अच्छी बात यह है कि एयरपोर्ट हम टाइम पे पहुँच जाएंगे, 3:30 बजे के आसपास का ETA बता रहा है। देखते हैं, आज की अगर फ्लाइट कैंसिल नहीं हुई तो हम मिलते हैं चार्ज में और एयरपोर्ट के पास। ये अंडरपास का बहुत ही प्यारा नज़ारा, जब आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल की तरफ ट्रैवल करते हैं तो ये जो अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर पेंटिंग्स और लाइटिंग की हुई है, बहुत ही अच्छा व्यू देती है। रात के टाइम पर हम इन पर्टिकुलर ट्रैवल करते हैं। इनफैक्ट दिन में भी अच्छा व्यू आता है, बट रात को तो इसका औसम नज़ारा होता है, अमेजिंग। ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बने हुए बहुत सारे होटल्स जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। अगर आपका ओवरनाइट जर्नी या कुछ आपका इन ट्रांजिट कुछ करना हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पर। ये नया ATC टावर है जो कि रिवॉल्विंग बिल्डिंग भी कही जाती है। सुबह सुबह 3 बजे इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं, इतना वाला फ्लाइट होंगी रात को। और ये गया हम डोमेस्टिक टर्मिनल। T2 का जो सिक्योरिटी जाएगा वो 5 मिनट के अंदर पूरा हो गया। मतलब तो पापा का बैग में कैमरा था इसलिए मैं थोड़ा टाइम लग गया, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। और अब हम जा रहे हैं अपने सीट की तरफ। आ जाओ जी, गेट नंबर 30 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, हम बस से उतर के अब आ गए हैं बिल्कुल स्टेयर्स के पास, जहाँ पे हमारा फाइनल टाइम चेक होगा, टिकट, बोर्डिंग पास, एंड देन हम उसके बाद फ्लाइट के अंदर जाएंगे। तो मैं भाई साहब को अपना टिकट एक बार दिखा देता हूँ, एंड देन लेट्स गो इनसाइड द प्लेन। फाइनली हम लोग आ गए जहाज के अंदर। इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट के टेक ऑफ का। ऑन टाइम, कोई डिले नहीं है। थैंक यू। मिनट बचे, रिफ्यूलिंग चालू है, उसके बाद हम लोग चलते हैं ले के लिए। सिंपली ऑसम। Look at this. Wow. Superb, 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 superb. Oh my goodness. नीचे वैली है और वो स्नो मेल्ट होकर नीचे जा रहा है, स्ट्रीम बनी हुई है छोटी छोटी। कैन सी
अराइवल सेक्शन ऑफ द लेह डोमेस्टिक एयरपोर्ट। देखो क्या डिजाइनिंग की गई। एक घंटे में आ गए थे हम लोग फ्लाइट से, मौसम साफ था, बादल नहीं लगे हुए थे। अभी इस टाइम पे एयरपोर्ट पर हैं, अराइवल सेक्शन में लगेज का वेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट पीपल आर वेटिंग फॉर। चेक इन कर लिया है, होटल में लिया हमको सुबह के 6:15 हो गए। तो 6:30 का प्लेन था हमारा, 6:30 लैंड होने वाला, 6 बजे ही लैंड हो गया और 15 मिनट में हम अपने होटल में पहुँच गए। बैगेज लगे बता रहे थे दोस्तों, हमारा दिन होटल के कमरे में बीत रहा है। हम आज कहीं नहीं जा रहे हैं, पहला दिन है। तो हम सुबह 6:30 बजे अपने होटल में चेक इन कर गए थे, उसके बाद से लेके अब तक हम बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। सुबह से लेके हमने नाश्ता किया, अच्छे से नाश्ता किया आज, और उसके बाद अब अपने होटल रूम में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बाहर के नज़ारों की कुछ फ़ोटो हमने इनसे खींच लिए, यहाँ पर देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है। माउंटेन व्यू रूम हमने लिया था और ऑक्सीजन लेवल अभी 90 के आसपास है हमारा आग चुका है। बट आपको दिन भर एडवाइज़ यही किया जाता है कि आप 24 से 48 घंटे यहाँ पे रेस्ट करें, आपको एक्लिमेटाइज करें और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो वॉकिंग हो, ट्रैकिंग हो और रनिंग वगैरह बिल्कुल भी ना। ज़्यादा वेट ना उठाएं, लिक्विड पीते रहें और आराम करते रहें। लिकर का कंजम्पशन ना करें, वो बहुत ही आपको यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमारी बालकनी है, यहाँ पे हमने चेयर लगा ली थी दो सुबह और हम यहाँ पे मस्त धूप का आनंद ले रहे हैं। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। ये अभी हमने रूम के अंदर से दिखाया था, मैं रूम के बाहर से दिखा रहा हूँ। अभी इस तरफ आगे जाके एयरपोर्ट है, ये रोड नीचे हमारे होटल के बाहर से रोड जाती है। कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ यहाँ पे चली रही हैं अभी भी, और ये सामने एक और होटल है वो भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि यही कंस्ट्रक्शन का पीरियड है। उसके बाद आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ से बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ दिख जाएंगे। इस बंजर पहाड़ी के जस्ट पीछे की तरफ जहाँ दो वर्कर काम कर रहे हैं, उसके आगे अगर आप देखें नज़र दौड़ाएँ तो मैं अपना कैमरा थोड़ा और जूम करके दिखाऊँ आपको, तो वो देखो वो सामने बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ जो हमने ऊपर अभी फ्लाइट से भी देखे थे। तो अभी एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। फिलहाल तो आज का दिन रेस्ट करने में गुजर रहा है, इन्हीं वादियों का नज़ारा ले रहे हैं। आसमान बहुत साफ़ है,